ईयर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 11th के बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं आपको फ्रिक्शन का टॉपिक ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूं और एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूं हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, उसके फ्रिक्शन का आखिरी वीडियो लेक्चर। जी हां, फ्रिक्शन का टॉपिक कवर हो रहा है। लॉज ऑफ मोशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें शुरुआत में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, फिर फ्रिक्शन का टॉपिक शुरू करा, और आज फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और अगले वीडियो लेक्चर में शुरू होगी नई बातें, जिन्हें हम कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमारी लॉज ऑफ मोशन की यूनिट में पढ़े जाने वाला आखिरी टॉपिक होगा, जिसके बाद मैं इस बात का ऐलान कर सकूंगा कि लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया। सवाल आता है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का वीडियो लेक्चर नो डाउट आपको कुछ नई बातें बताएगा, लेकिन समझ उसी बच्चे को आएगा जिसने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 10, हां जी वीडियो लेक्चर नंबर 10, ये 11वां वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले वाला 10वां वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को समझने से पहले या देखने से पहले उसे जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में काम आने वाले बेसिक्स या आज के वीडियो लेक्चर में बताए जाने वाली बातों को समझने में होगी आपको आसानी, मिट जाएगी आपकी सभी परेशानी अगर आप देंगे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर पे थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि वो बातें मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के टॉपिक में बची हुई आखिरी 3 डेरिवेशन। अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक ऑब्जेक्ट के फिसलने की बात करी थी कि एक ऑब्जेक्ट फिसलता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे फिसलता है तो वो क्यों फिसलता है, याद करिए, मैंने एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे स्लाइड होना इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पे वो रखा गया है उस सरफेस का एंगल कितना है। हर ढलान पे हर ऑब्जेक्ट स्लाइड हो ये जरूरी नहीं है, हर ढलान पे हर ऑब्जेक्ट स्लाइड हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ढलान इतनी ज्यादा होती है कि ऑब्जेक्ट को रखते ही वो खुद ब खुद स्लाइड हो जाता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है, हम करने जा रहे हैं डेरिवेशंस। आई रिपीट माय सेंटेंस, आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डेरिवेशंस बेस्ड ऑन, आई रिपीट माय सेंटेंस, बेस्ड ऑन द मोशन, मोशन ऑफ अ गिवन बॉडी, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्योंकि किसी भी ढलान की बातें मैंने लास्ट क्लास में अच्छी तरह से करी थी कि किसी भी, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं, क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन, क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन। अगर सपोज कीजिए कि ये एक ढलान है, तो इस ढलान पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वो ऑब्जेक्ट या तो नीचे आ जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब ऑब्जेक्ट खुद फिसलता है, जब ऑब्जेक्ट खुद फिसलता है या खुद नीचे आता है, जब ऑब्जेक्ट खुद फिसलता है या खुद नीचे आता है तब हम कहते हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें, आई रिपीट माय सेंटेंस, उसमें फोर्स डेवलप हुआ जिसके कारण, उसमें फोर्स डेवलप हुआ ड्यू टू द मदद ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। यानी ये वाला जो एंगल है इसे हम थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर आपको याद हो मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में इसे अल्फा भी कहा था। कई बार ढलान बहुत ज्यादा होती है, जब ढलान बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे आता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में उसकी मदद किसने करी, ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में उसकी मदद इसने करी, यानी एंगल ऑफ रिपोज ने करी। एंगल ऑफ रिपोज ही वो एंगल है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट आसानी से नीचे आ पाया।
सर जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मदद करे, हाँ यानी अब मैं लिखूंगा कि जब ऑब्जेक्ट खुद नीचे नहीं आ पाता, या जब खुद ऊपर नहीं जा पाता। एक बच्चा बोला है कि यार खुद ऊपर कैसे जाएगा, हाँ बात तो सही है, कोई भी चीज खुद ऊपर नहीं जा सकती, उसमें कोई ना कोई मशीनरी या कोई ना कोई ताकत आपको लगानी पड़ेगी, व्हाटएवर, यानी नीचे नहीं आ पाता या ऊपर नहीं जा पाता, तब हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अब देखो मैंने आपको जो भी बात बताई ये कोई डेरिवेशन अभी चल नहीं रही है, क्योंकि मैंने अभी डेरिवेशन शुरू ही नहीं करी है, लेकिन डेरिवेशन के टॉपिक को अच्छे से बताने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको यह पता चल जाएगा कि डेरिवेशन किस बारे में है। एक बच्चा कहता है सर आपकी पहली लाइन पढ़कर यह साफ पता चल गया कि आप यहां पर बात करोगे उस फोर्स की जो डेवलप हुआ, और आपकी दूसरी लाइन पढ़कर यह समझ आ गया कि आप बात करोगे उस फोर्स की जो हमने अप्लाई किया। तो एक तो हम फोर्स डेवलप्ड की बात करेंगे, एक बात बताओ फोर्स डेवलप्ड हो या फोर्स अप्लाइड हो, एक्सेलरेशन तो होगी ना, एक एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में डेवलप होगी तब जब उसमें फोर्स डेवलप होगा, यानी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी ढलान पे रखते हैं और वो नीचे फिसल के आता है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है, हमने नहीं करी, खुद ब खुद हुई। एक बच्चा कहता है खुद ब खुद कैसे हो गई, फिसल गया भाई हम क्या करें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वजन इतना काफी नहीं था, मतलब ऑब्जेक्ट का वजन नहीं था इतना काफी कि हो पाती फ्रिक्शन उस पे हावी, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे फिसल गया और उसमें पैदा हो गई एक्सेलरेशन, कुछ जो हमें है पढ़नी आती। बात समझ मेरे बच्चों को आती? अब सवाल ये आता है चलो सर इसका मतलब डेरिवेशन करने से पहले आपने डेरिवेशन में क्या पढ़ना है उसका एक हिंट तो दे दिया, तो चलो अब शुरू करते हैं हमारी डेरिवेशन जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। सबसे पहली डेरिवेशन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, सबसे पहली डेरिवेशन एक छोटी सी सिंपल सी 3 मार्क्स की डेरिवेशन है। इन डेरिवेशंस को करते ही आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। टॉपिक चल रहा है डेरिवेशंस बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। हमारी सबसे पहली डेरिवेशन, डेरिवेशन नंबर 1, हमारी सबसे पहली डेरिवेशन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन अ बॉडी दैट स्लाइड्स डाउन, जो नीचे आ रही है, दैट स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है जो बेचारी फिसल कर नीचे आ रही है, और उसके फिसलने पर उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी हमें वो निकालनी है। चलो जी अच्छी बात है, सबसे पहले एक प्यारा सा हम डायग्राम बनाते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ आए, और इस डायग्राम में मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और इस पे एक ऑब्जेक्ट को बिठाया गया है। ऑब्जेक्ट का जो वजन है, सुनेंगे ध्यान से, वो वजन यानी कि उसका एमजी नीचे काम करेगा, उसका रिएक्शन यानी कि आर यहां काम करेगा। एमजी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां काम करेगा, एक कंपोनेंट यहां काम करेगा। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि ये एमजी कॉस थीटा होगा और ये एमजी साइन थीटा होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट थीटा कंपोनेंट है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है यानी उसका वजन है काफी, तभी उस पे फ्रिक्शन नहीं है हावी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो यानी उसका वजन है काफी। एक बच्चा कहता है आप वजन को ही क्यों दोष दे रहे हो, हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल अच्छा है, बिल्कुल सही। लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम
placed on an inclined surface, placed on an inclined surface whose angle is theta, such that theta is equal to alpha, यानी कि theta बराबर है उस angle के, वो angle के जो required है slip down करने के लिए, यानी वो angle जो required है slip down करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि फिसलने के लिए। तो एक बच्चा कहता है सर equal क्यों करते हो, बड़ा कर दो। हाँ भाई चलो अच्छी बात है, बड़ा करेंगे तो और अच्छे से फिसलेगा, very good। यानी अगर फिसलने का required angle for example 30 degree है और ये 45 है, अरे बड़ी जल्दी आराम से आएगा, तो हम कह सकते हैं therefore mg sin theta will be able to overpower मतलब कि overcome, या हम कह सकते हैं will be able to overcome friction। अगर mg sin theta नीचे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है पीछे की तरफ कोई तो फ्रिक्शन काम करी होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगी, करेगी, लेकिन फ्रिक्शन जीत नहीं पाएगी। इसलिए हम ये बात बार-बार बोल रहे हैं कि इस डायग्राम में इस थीटा की वैल्यू है इतनी काफी कि ताकत है mg sin theta की इस पे हावी। इस डायग्राम में थीटा की वैल्यू है इतनी काफी कि mg sin theta की ताकत है इस पे हावी। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि mg sin theta इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। सो देयरफॉर जो फोर्स डेवलप होगा लेट इट बी एफ एंड वी मे राइट दैट फोर्स डेवलप इज इक्वल टू mg sin theta माइनस फ्रिक्शन। फोर्स डेवलप की जगह लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन is equal to mg sin theta minus mu r। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचेंगे f की जगह mu कैसे आया, mu r कैसे आया, मत भूलो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो therefore mass into acceleration is equal to mg sin theta minus mu mg। अच्छे से जानते हैं कि रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होता है, लेकिन यहां पे रिएक्शन के सामने कौन है, mg cos theta, इसलिए रिएक्शन के सामने mg cos theta बिठा दिया। सो देयरफॉर हमें मिला ma is equal to mg ब्रैकेट में sin theta minus mu cos theta। भाई रिएक्शन के सामने mg होता है, लेकिन अभी रिएक्शन के सामने mg का mg cos theta कंपोनेंट है, इसलिए r की जगह mg cos theta बिठाया। ma को m से घर बिना बिठाया। a is equal to g ब्रैकेट में sin theta minus mu cos theta, मैंने एक्सप्रेशन पाया। दिस इज द मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। मैं यहां लिख रहा हूं और आपको मौका भी दे रहा हूं। एक बच्चा कहता है किस चीज का, भूरो देखो समझो जानो परखो पहचानो। आए मन में कोई सवाल मेरे बच्चों मचा दो बवाल। This is the final expression of acceleration produced। यानी जो acceleration produce हुई है उसका final expression आपके सामने है, आपके सामने board पे है, जो आपको समझ आना चाहिए। Obviously बात है, साफ पता चल रहा है कि ये acceleration gravity से तो कम ही है, gravity के बराबर नहीं है, acceleration due to gravity से कम है, देख के ही formula आपको साफ पता चल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे class 9th के, ओहो 9th कह दिया क्योंकि 9th में भी तो काम आता है, लेकिन CBSE वाले 9th में नहीं, हो सकता है कि ICSE और इंटरनेशनल बोर्ड के 9th के बच्चों के काम आता है, इसलिए मैंने उनका जिक्र कर दिया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, क्योंकि 11th का टॉपिक चल रहा है, 11th में ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पहली डेरिवेशन, एक बच्चा कहता है छोटी सी तो है क्या है इस डेरिवेशन में, हां मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में यही डेरिवेशन पूरे 3 मार्क्स की आ सकती है, अगर न्यूमेरिकल साथ में जोड़ दें तो एग्जामिनर 5 मार्क्स की भी पूछ सकता है। सर ठीक है,
और इस डेरिवेशन से क्या है जो हमें अपने दिमाग में बिठाना है। आइए, आप अगर इस डेरिवेशन को अच्छे से घूर चुके हो, अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छे से देख चुके हो, वीडियो पॉज करके देखो, मैं तो कहता हूं कोई मना तो नहीं कर रहा है ना आपको, अच्छे से समझो बच्चों, अच्छे से। अगर आप इसे घूर चुके हो, अगर आप इसे समझ चुके हो, तो अब देखो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ना ना ना, डायग्राम में बिठा देना मास्टर जी। चलो जी, ये जगह हटाई, ये जगह भी हटाई और ये भी हटाई। इसी में एक छोटी सी बात और कर रहा हूं, ये छोटी सी बात डेरिवेशन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है जिसे किया जाना बेहद जरूरी है। आइए अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो। मान लो, लेट अस कंसिडर कि ऑब्जेक्ट खुद नीचे नहीं आ पाया। ऐसा तब होगा जब थीटा इज गोइंग टू बी लेस देन अल्फा। तो मान लेते हैं कि थीटा अल्फा से कम है, छोटा सा केस मान लिया। अब होगा क्या? अगर थीटा अल्फा से कम है तो ऑब्वियसली बात है कि या तो आप ऑब्जेक्ट को नीचे लाना चाहते हो या आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहते हो। देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे धक्का मारना चाहते हो नीचे, तो एमजी साइन थीटा तो वैसे भी आपकी मदद करेगा, लेकिन एमजी साइन थीटा को अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट को आप नीचे लाना चाहते हो नीचे, तो एमजी साइन थीटा तो खुद ही नीचे काम कर रहा है, तो ये तो कहेगा भाई चलो आप भी नीचे, मैं भी नीचे। लेकिन भाई तुम्हारे खिलाफ है कौन? फ्रिक्शन। तो तुम्हें जो ताकत लगानी पड़ेगी, आई रिपीट माई सेंटेंस, जो ताकत लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में, अब सुन लो, समझ लो, एक बार दोबारा बताता हूं, इनकेस अगर आप किसी बात से कंफ्यूज हो तो दोबारा सुनो। ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पा रहा है, हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए। भाई नीचे की तरफ इसका वजन तो वैसे भी काम कर ही जाए, ये तो हमारी मदद वैसे ही करेगा, हमें इसकी मदद नहीं चाहिए अभी, ये हमारी मदद वैसे ही कर रहा है। हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रही है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन है इस पे हावी, तभी इसका वजन नहीं पड़ रहा है काफी। इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पा रहा, यानी जो ताकत लगानी पड़ेगी वो ताकत होनी चाहिए फ्रिक्शन माइनस एमजी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि नीचे आते समय फ्रिक्शन आपको रोक रही है, ये तब जब ऑब्जेक्ट को आप नीचे ला रहे हो। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, तो मैं लिखूंगा जो ताकत लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते समय। यार ऊपर ले जाते समय अगर एक ट्रक आपके सामने ऐसे आ गया, तो ट्रक का वजन तो आप में पड़ रहा है, तो पहले तो आप उसे बैलेंस करो। यानी जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो आपका अप्लाइड फोर्स यहां होगा और आपके खिलाफ एक तो आपका वजन काम करेगा और साथ ही साथ आपके फ्रिक्शन काम करेगी। यानी जो ताकत आपको लगानी पड़ेगी ऊपर ले जाते समय, उसमें भैया आपका वजन तो आपके काम आएगा ही नहीं, वो भी आपको चाहिए, प्लस फ्रिक्शन जितनी ताकत भी आपको लगानी पड़ेगी। मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते समय ऑब्जेक्ट का वजन और इसको मिलने वाली फ्रिक्शन ही पड़ रही है आप पे हावी, तो कम से कम ताकत तो लगाओ उतनी काफी, जिसमें फ्रिक्शन जितनी ताकत भी हो और एमजी साइन थीटा यानी वजन वाली ताकत भी हो। ये वाला हिस्सा डेरिवेशन के लास्ट में अगर आप एग्जामिनर को लिख के दिखा देते हो तो उसे एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा कि वाओ, दिस चाइल्ड हैज नॉट जस्ट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन बट इवन हैज आल्सो मेंशन कि इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू स्लिप डाउन देन व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स, मिनिमम कम से कम इतना तो लगाना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड
to take the object in upward direction or required to bring the object in नीचे वाला direction. Downward में इतनी ताकत तो कम से कम चाहिए चाहिए और upward में इतनी ताकत तो आपको कम से कम चाहिए चाहिए जो ताकत लगानी पड़ेगी object को ऊपर ले जाने में. समझ आया? घूरो, देखो, समझो और पहचानो. अगर समझ आ गया तो अब जो कराने जा रहा हूं वो हमारी है डेरिवेशन नंबर 2. भाई डेरिवेशन नंबर 2 भी एग्जाम में 3 मार्क्स की पूछी जा सकती है. तो डेरिवेशन नंबर 2 बड़ी सिंपल है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है. डेरिवेशन नंबर 2 बड़ी सिंपल है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है. डेरिवेशन नंबर 2 है क्या? शुरू होते ही खत्म हो जाती है. काफी सिंपल डेरिवेशन है. ये देखिए, इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द वर्क done, derivation of the work done in moving the body on a rough horizontal surface, यानी एक horizontal surface पे अगर एक body को move कराना है, तो उसको move कराने के लिए कितना minimum work done चाहिए? एक बच्चा कहता है कितना minimum work done चाहिए? अबे जितना उसका वजन है उतनी ताकत लगा दो, काम खत्म. क्यों? फ्रिक्शन ओवरकम नहीं करनी. हां हां सर, फ्रिक्शन भी तो वजन के अनुसार ही आएगी. पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रिक्शन भी वजन के अनुसार आएगी, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अच्छा पॉइंट बोला. इसे तो कहा शुरू होते ही खत्म हो जाती है. छोटी सी डेरिवेशन है, छोटी सी. मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो वजन है यानी कि इसका वेट, वो नीचे काम कर रहा है. वेट नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है. और मान लेते हैं कि इस दिशा से यहां पे, यहां से अप्लाइड फोर्स लग रहा है, यहां से अप्लाइड फोर्स लग रहा है. अप्लाइड फोर्स जहां से लग रहा है मतलब कि इस दिशा में अप्लाइड फोर्स गया. अगर यहां पे अप्लाइड फोर्स गया तो इस तरफ आ गई फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्वियस ही बात है, फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. अगर अप्लाइड फोर्स इस तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां मैं साफ साफ लिखूंगा, यहां पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो पहला कानून है उसके अनुसार हम जानते हैं. एक बच्चा बोला क्या जानते हो? We know that F is directly proportional to R और F is equal to mu R. यानी ये F क्या है? ये F क्या है? ये F फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन ही तो आपको रोक रही है. So हम यहां पे लिख सकते हैं the force applied must be greater than equal. Must be greater than equal to friction to move the body. उस body को अगर हमें move करना है. And let S be the displacement. Let S be the displacement produced. Let S be the displacement produced. Therefore, work done is equal to force into displacement. This force must be equal to friction, yani mu r into s. R is equal to mg, or we can say that w is equal to mu mg s is the final expression of the work done in moving the body on a horizontal surface. मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो. आए मन में कोई सवाल, आप मचा दो पूरा या थोड़ा सा भी बवाल. This is something very very important. भाई डाटा को अगर आप नोटिस करो तो एक W है, एक म्यू है, एक M है, एक G है, एक S है. तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच क्वांटिटी में से कोई चार क्वांटिटी पता हो तो मिसिंग क्वांटिटी जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है उसे निकाला जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, समझ आ चुका, दिख रहा है? घोलो, जानो.
अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर की आखिरी डेरिवेशन, जिसके बाद मुझे ये ऐलान करने में बड़ा मजा आएगा कि फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म। हम करने जा रहे हैं हमारी आखिरी डेरिवेशन, हमारी आखिरी डेरिवेशन, जिसके बाद मुझे ये बात कहने में खूब आनंद आएगा। आखिरी डेरिवेशन, इसके लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसके लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसलिए पूरे बोर्ड को है मैंने मिटा दिया और डेरिवेशन के लिए एक जगह बना दिया। आइए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, in moving a body on a rough inclined plane, एक inclined plane पे अगर एक body को मुझे move कराना है तो उसे move कराने के लिए मुझे कितनी ताकत चाहिए। For example, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक ढलान है और ये ढलान का जो angle है वो angle theta है, जिस पे मेरी पड़ी है एक बॉडी जो ना तो नीचे आ पा रही है ना ऊपर जा पा रही है, मतलब कि अच्छी खासी फ्रिक्शन मिल रही है, ऊपर से एंगल भी सफिशिएंट नहीं है कि फिसल सके, यानी इस ऑब्जेक्ट का वजन mg तो काम कर ही रहा है, नीचे रिएक्शन r यहां काम कर रहा है और इस mg के दो कंपोनेंट यहां ऐसे काम करेंगे। ये कंपोनेंट कहलाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट कहलाएगा mg sin थीटा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अभी ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं, ऊपर। चलो केस वन, केस वन मैं बात कर रहा हूं, केस वन की। केस वन क्या कहता है? केस वन कहता है हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। केस वन कहता है हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ऊपर लेना चाहते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो इसका वजन, और जब आप ऊपर जाओगे तो इसी दिशा में काम करेगी फ्रिक्शन, इसी दिशा में काम करेगी फ्रिक्शन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना चाहते हैं तब हमारे खिलाफ काम करेंगे, हमारे खिलाफ काम करेंगे टू फोर्सेस, हमारे खिलाफ काम करेंगे टू फोर्सेस। पहला फोर्स mg sin थीटा और दूसरा फोर्स फ्रिक्शन। ये बात पहले समझ लो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। डायग्राम देखो, खुद विजुलाइज करो यार, खुद विजुलाइज करो, और आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप विजुलाइज नहीं कर सकते। हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर ले जाने से इसका भार हम पे पड़ेगा, और जब आप ऊपर लाओगे तो फ्रिक्शन भी है, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का इस तरफ फ्रिक्शन का काम करेगी, इस तरफ, वाह, वजन भी इस तरफ, फ्रिक्शन भी इस तरफ, हमारी तरफ mg sin थीटा और फ्रिक्शन। तो हमारी ताकत देयरफॉर हमारा मिनिमम फोर्स अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। यानी मैं लिख सकता हूं दैट फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू एफ मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू आर। F must be equal to mg sin theta plus mu. R tere samne mg cos theta. Therefore, F is equal to mg bracket mein sin theta plus mu cos theta. Agar ye F hai, to therefore W is equal to F into S is equal to mg into sin theta plus mu cos theta multiplied by s is the expression of the work that must be done in moving the body
इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी बॉडी को ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए जो करना पड़ेगा काम, उस काम का है ये एक्सप्रेशन आपके सामने, जिसे हमें ऊपर लेके जाना है, यानी बॉडी को हमें ऊपर लेके जाना है। ऊपर ले जाते समय हमारे सामने उसका वजन और फ्रिक्शन काम कर रही है, इसलिए हमारी ताकत में उसका वजन और फ्रिक्शन दोनों शामिल होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डाटा गिवन है उसकी मदद से, जो गिवन नहीं है उसे निकाल जा सकता है। अब क्या? ये तो ऊपर ले जाने का केस था। ज्यादातर तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर ही लेके जाते हैं, नीचे कौन लाता है? चलो कोई बात नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, केस टू। हाँ, बात करते हैं सेकंड केस की। जब ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, एक बच्चा कहता है नीचे लाते समय तो उसका वजन तुम्हारी मदद करेगा, बट फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण नहीं ला पाएंगे। दैट इज फ्रिक्शन उसके वजन mg sin थीटा से ज्यादा है, यानी फ्रिक्शन जो आप ऑब्जेक्ट को नीचे ला रहे हो तो फ्रिक्शन कहां काम कर रही है? ऊपर। वो इतनी ज्यादा है कि mg sin थीटा उस पे हावी नहीं हो पा रहा। तो दोनों के बीच में जो फर्क है, कम से कम उतनी ताकत तो लगाओ, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर फोर्स अप्लाइड व्हाइल कमिंग डाउन, therefore force applied while coming down can be F = F - mg sin theta। और आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं आपको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस का केस पढ़ा रहा था, तो तब आपने सोचा नहीं था कि डेरिवेशन में ये सब काम भी आएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो पूरी डेरिवेशन बन गई। लास्ट डेरिवेशन थी, आखिरी डेरिवेशन थी, जी भर के घूर लो, देख लो, समझ लो, परख लो, है मन में कोई सवाल मुझसे पूछ लो। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अब आप इसके बेसिस पे, इससे रिलेटेड और इससे पहले बताए गए फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अब मुझे एक बड़ी सी प्यारी सी बात कहने में मजा आ रहा है। फ्रिक्शन के टॉपिक को जितना भी मैंने पढ़ाया है या जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें जब आप किताब खोल के देखोगे तो सारी बातें आपको वही नजर आएंगी जो मैंने बताई हैं। लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बताई और नजर वो भी आएंगी। कौन सी बात? सबसे लास्ट में आप देखोगे एक छोटा सा टॉपिक है, द मेथड्स टू चेंज फ्रिक्शन and how friction can be useful to us। मतलब friction is a necessary evil। evil का मतलब एक ऐसी चीज जो खतरा तो है लेकिन जरूरत है। obviously बात है, बारिश के दिनों में जब friction कम हो जाती है तो खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर रोज कम हो गई तो खतरा तो रोज ही रहेगा, आप रोज ही फिसलोगे। इसका मतलब friction आपको चाहिए भी, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आप फिसल जाओ। मतलब कि खतरा भी है और चाहिए भी, necessary खतरा जो हमें लिमिट में चाहिए। ये बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी और इसी से रिलेटेड कुछ बातें और जो मैं चाहता हूं कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते किताब खोलकर जरूर पढ़ो। अब क्या मैं ये बात ऐलान कर दूं कि फ्रिक्शन का टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में खत्म हो गया है? जी हां मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, हेयर बाय आई अनाउंस द खात्मा ऑफ फ्रिक्शन इन द यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। And very soon I will be starting with a new concept, with a new topic, जिसमें ये बातें काम आएंगी यार। फिजिक्स की सारी बातें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, हर बात कहीं ना कहीं काम आती है, with a new topic called as dynamics of circular motion। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, तब तक दिल थाम के बैठिए। और जानते हो क्या, इस वीडियो लेक्चर में जितना भी दिया मैंने आपको ज्ञान, अगर नहीं है आप किसी और बात से परेशान,
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला के बढ़ा दो मेरे चैनल की शान। यही मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हां टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।